बिना मतलब की चीजों से अच्छा है कि, क्योंकि आज देखिए एक तरफ तो टीचर ये कहता है मोटिवेशन दे रहा है, वो एक तरफ वो क्या कर रहा है मोटिवेशन फेंकते मार रहा है कि टाइम मत खराब करो, एक तरफ तुम उसे पूरे दिन फर्जी की बातों में वीडियो बना बना के फर्जी के तुम ब्लॉग डाल डाल के उसको फंसाए रहते हो। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों, ये दोहरी मानसिकता क्यों, ये दोगलापन क्यों, जब तुम कहते हो कि बच्चे को समय नहीं खराब करना चाहिए लेकिन तुम फिर भी ऐसे चैनल बना बना के 10-10, 20-20, 50-50 चैनल बना के उसका समय खराब क्यों कर रहे हो? तुमको पता है कि तुम अच्छा कर रहे हो, बच्चे तुमसे प्यार करते हैं तो तुम्हारी हर चीज को देखेंगे, लेकिन तुम खुद ही ये सब चीजें करोगे, या तो कोई बच्चा चलो तुम्हारी वीडियो काट के डाल के बना के दो पैसे कमा रहा है तो भी ठीक है, उसको तुम स्ट्राइक भेज देते हो तुरंत, आज बना ले कोई बच्चा किसी टीचर पे हमें छोड़ करके वीडियो, ना टीचर स्ट्राइक भेज दे तुरंत उसका चैनल डाउन करा देते, ये गलत है, क्योंकि आपको अपना चैनल चलाना है, आप अपने उस चैनल से दो पैसे कमाने के चक्कर में बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खेल रहे हो, क्यों डाल रहे हो आप ऐसी बातें जिनका कोई लेना देना नहीं है एजुकेशन से या बच्चे के सिलेक्शन से? तब आपका बच्चों के प्रति प्रेम कहां चला जाता है, जब आप अपना पब्लिसिटी या अपने व्यू बढ़ाने के चलते कुछ भी डाल दे रहे हो यूट्यूब पे, कचरा बना दिया लोगों ने यूट्यूब का, तब आप नहीं सोचते बच्चों के बारे में कि हमने इसका इतना समय खराब कर दिया, बच्चों से भी बहुत गुजारिश है मत पढ़ो इन चक्कर में, कुछ नहीं रखा इन बातों में, खुर पे आ जाएंगे एक दिन हाथों में, तुम जीवन में एक अच्छी नौकरी लो फिर तुम बनाना बिलो, मत दो ध्यान किसी की बातों पे, एक बार ये नौकरी निकाल लो, ये 2 साल ऐसे मिले हैं जहां तुम अपने जीवन को संवार सकते हो, शादी ब्याह हो सकता है तुम्हारा, जिस लड़की से तुम प्रेम कर सकते हो वो तुम्हारी हमेशा के लिए हो सकती है। तो आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जितना भी समय गवाओ सोच समझ कर अपना टाइम वेस्ट इन्वेस्ट करो, आज टाइम इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी चीज है, पैसे से ज्यादा टाइम, टाइम की कीमत है, उस समय को सही जगह लगाओ, सही कंटेंट पे लगाओ, क्योंकि मोटिवेशन के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही देख लोगे पिताजी का कुर्ता फटा हुआ है, एक पजामा पिताजी को एक ट्राउजर में कितने दिन हो गए, माताजी 2 साड़ियों में जीवन बिता दी, माँ के पास एक भी गहना नहीं है, सब तुम्हारी पढ़ाई में गिर भी रख गए, और क्या मोटिवेशन लोगे यार, इससे ऊपर कुछ नहीं है मोटिवेशन, बहन की शादी इसी बात पे टिकी है कि तुम्हारा सिलेक्शन कब होगा, तुम्हारा खुद का प्रेम विवाह इसी बात पे टिका है।